हाई हाय हाय एवरीबॉडी, हेलो सो आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट right? बिकॉज आज का टॉपिक इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव ब्रॉड द बेस्ट ऑफ द ट्वेंटी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू टॉक अबाउट जोलॉजी हां अगर जूलॉजी की आप लोग बात करो तो हम लोगों ने इतना अच्छे से एनालिसिस किया है और हमने क्या निकाला है 20 बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए राइट right? है इंटरेस्टिंग ओके ओके ग्रेट सो हां हैव यू ऑल जॉइंड यस ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट अब मैं आपको एक और बात बताती हूं आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और क्या है हमने पेपर पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए आज का वो जो बनाया है प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें से कि वन मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं राइट देन टू मार्क्स के भी क्वेश्चन कवर किए एंड एंड टू इम्पोर्टेंट राइट एंड थ्री मार्क्स के भी क्वेश्चन किए हैं एंड देन आफ्टर दैट फाइव मार्क्स के भी किए हैं ओके सो विल बी डिस्कसिंग वाट आर दीज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन हाउ टू राइट इट हाउ टू प्रेजेंट इट ओके That's great. That's great. So now I think everybody has joined, and those who have joined me for the first time, my name is Vinakshi Sharma, and I'm a master teacher, zoology on Vedantu Neat Made Easy channel. आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है बच्चे. ठीक है. चलें फिर चलें सेशन शुरू करें आज का. Very good. चलो. So अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट से क्वेश्चंस नोट करते जाओ. ठीक है. राइट right? एंड अच्छी बात ये, ये भी है दैट आपको क्या मिल जाएगा इसका पी डी एफ मिल जाएगा सो इट बी ग्रेट हेल्प फॉर यू सो गाइज इफ यू न्यू टू चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंटरेस्टिंग सी ओके सो इफ यू नॉट ज्वाइंड द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आवर्स सो इसको ज्वाइन जो कर लीजिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर, पर अपडेट होती है जॉइन इट राइट नाउ यू कैन विन विधान टू टी शर्ट एज ओके अंडरस्टैंड योर विधान टू नीट प्रो सब्सक्रिप्शन गाइज सो ये बिल्कुल आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो बिल्कुल जैसे अमेजॉन प्राइम वाली सब्सक्रिप्शन है सो यू विल एक्सेसिंग ऑल ऑफ द वीडियो राइट सो वॉट एवर द हमारे जितना भी वीडियोज हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उस, उसके बाद फाइव थाउजेंड आवर लाइव ऑनलाइन टीचिंग इतना ऑप्शन टू लर्न इन इंग्लिश एंड हिंदी डाउट सॉल्विंग Every the slaver's coverage, everything would be there, so just take it. If you want to take it, so one month 6000 rupees okay per month, three months 5600 and six months kili beta 5200 per month okay. So, if you want to avail, you can use the code MS pro and link is given in the description box. Okay, so you will get the discount. How much discount you're gonna get? 1500 guys okay. So, this is the window you're going to get and you can avail that. ओके सो गाइस आर यू रेडी यस फॉर टुडे सेशन एंड यू नो हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज या सो अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं दोबारा बोल देती हूं ये बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने रखे गए हैं क्वेश्चन सो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए हाउ दे हैव बिन रिटर्न एंड किस किस ईयर में आए हैं आपको तो पता ही है बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं नीट की तरह नहीं है दट तो घुमा फिरा के कभी कभी बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं राइट रेडी यस यस एवरीबॉडी चले शुरू करें चलो स्टार्ट करते हैं फिर ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन मार्क आई वॉज रेडी ठीक है तो फटाफट फड़ से आंसर भी लिखते जाना साथ में ओके सो बिफोर लाइक आई प्रेजेंट द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू ओके सो हिस्स द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था ये सी बी एस ई दो हजार बारह में वट इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स इन सर्टोलीस सच एन ईजी क्वेश्चन चलिए लिखिए इसका आंसर लिखिए फटाफट फड़ से वट यू थिंक लोकेशन क्या है पहले तो सर्टोली सेल्स की लाइक इफ आई हैड बीन योर एट योर प्लेस में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी लोकेशन क्या है इसका लोकेशन इज कॉस राइट Okay, and what is the function of this? Okay, so have you written Sertoli cells? You see, there is another name. If you want to impress the examiner, write the another name of it and then write the function. What is another name of it? Huh? Yes? Yes, of course. It is what? It is nurse, nurse mother cells. Why? Because it provides the nourishment. You know, it takes care of the freshly formed sperms. Right? So, how do you write it? दिस इज हाउ यू राइट इट प्रेजेंटेशन हो प्रेजेंटेशन मैटर्स टॉपर बच्चे में उसमें क्या फर्क होता है वो अच्छे से प्रेजेंट करता है आप गए और एक लाइन में लिख के आ गए ये कॉमा ये इट इज नॉट गर्क दैट पेयर ओके सो लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल्स विद इन द लाइनिंग ऑफ द सेमिनि फेरेस्टिब्यूल्टीज ठीक है तो अगर आप स्पेसिफिकली लिखेंगे तो नंबर जाने के ज्यादा चांसेस है टेस्टीज भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा लेटमी टेल यू दैट वो भी गलत नहीं है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स क्या है बच्चे दे प्रोवाइड द न्यूट्रीशन टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल्स एंड आपको नंबर बनाने तो आप क्या लिख सकते हो दे आर कॉल्ड एज नर्स मदर सेल्स राइट से इंटरेस्टिंग सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन गाइज इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स नोट एट इसकी जगह पर मैं कहूंगी लेडीज सेल्स भी, भी आ सकता है कुड बी नो सरटोली सेल पूछ लिया तो वो लेडी सेल को रिप्लेस करके पूछ सकते हैं तो आप उसका उसका भी आंसर अच्छे से लिखिए यू गॉट दैट यस देन नेक्स्ट नेक्स्ट वन मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज नेम एन आई यू डी दैट यू वुड रिकमेंड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म तो सबसे पहले तो पहले ये ही पता करें दैट हॉस्टिलिटी का क्या मतलब होता है या हॉस्टिलिटी का क्या मतलब है मैम हॉस्टिलिटी का मतलब ही नहीं पता है सो बेटा हॉस्टिलिटी मैं मजाक कर रही हूं क्या पता मुझे ना पता हो आपको पता हो पहले से है ना आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो कुछ लोग यहां पर गए मैम हॉस्टिलिटी लाइक एनिमीबल यू कैन से नॉट सुबलेंड टू द प्रोमोटिक्सटी टू दम जैसे ही सर्विक्स में वो स्पर्म आए तो वो क्या हो उसको सर्विक्स जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड करे तो यू नो वट आर दीज राइट दस क्विकली ट इज आंसर यू वुट अब अच्छा अच्छा ये, ये भी इंपॉर्टेंट बात है अगर आप ये सोचेंगे क्वेश्चन आया मुझे तो बहुत आता है मैं तो इतना कुछ लिख दूंगा नो नो यूट गोइंग टू वेस्ट यूर टाइम मार्क्स क्वेश्चन आपको one question में एक ही नंबर मिलेगा बेटा अगर आप एक पैराग्राफ लिख के आगे तो आपको पांच नंबर नहीं दे देगा कोई वो देना भी चाहे वो तब भी नहीं दे सकता राइट सो बी स्पेसिफिक इफ इट इज मार्क आंसर सो राइट इन दन मार्क् फॉर्म ऑनली सो लेट एस जस्ट सी हाउ डू यू राइट इट आपको पता चल ही गया होगा दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन रिलीजिंग आईयीज फॉर एग्जाम्पल फ्रोजेस्टाट एल एनजी ट्वेंटी इलेवन जेस्ट्रॉल आर रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म्स ठीक है ब्यूकस लाइनिंग को थिक कर देगा आपको पता ही है वैसे भी अगर आई यू डीज की बात करें तो वो फैगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एंड नो इफ द

नेक्स्ट वन मार्क्स क्वेश्चन वी हैव नेम टू डिजीजेज हुन बी कंट्रोल्ड बाय द इराडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्कीटो हाँ दो ऐसे डिजीजेज के नाम बताने हैं कि जो कि कैसे हम हुप्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इराडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्कीटो तो बेसिकली क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है इट कुड बीन द क्वेश्चन लाइक एडीज मॉस्कीटो की वजह से कौन से डिजीजेज कॉज होते हैं वो बताइए सो इट लाइक द वे यू नो सो दैट यू जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड यू हैव टू यू डोट है चॉइस राइट सो इट सी बी एस सी टू थाउजेंडीन में बच्चे क्वेश्चन आया है अगेन वन मार्क बी स्पेसिफिक डोट राइट द स्टोरी वो आंसर हाउ डू यू रन डेंगी या डेंगू फीवर जो भी आप कह लो बेटा चिकन गुनिया फीवर इसकी आगे व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है समझ गए क्यों नहीं है वो आपको पता है राइट बिकॉज वन मार्क का है आप इतना लिखिए और आगे बढ़ जाइए

दिस दिस इंसेक्ट क्राई है ना सो जीन्स क्या है पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑर्गेनिजम्स आर दे प्रेजेंट ओके वेरी इजी क्वेश्चन दो ठीक है सीबीएसई टू थाउजेंड सेवेंटीन क्वेश्चन देखो सीधा क्वेश्चन आ गया है बस आपने क्या उसको उसको समझ के पढ़ा होना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए देखो अब ये वन मार्क का है, मतलब ये हाफ हाफ में डिवाइडेड है तो इसमें भी लंबी स्टोरी नहीं लिखनी है आपको क्या लिखना है क्राइजीन होता क्या है है ना? BT toxin जो प्रोड्यूस करता है राइट right? सो so, वो कोड फॉर ना? टी टॉक्सिल जो है हमारा क्राई प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं क्राई गाइज रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था देखो ऐसी चीजें बायोलॉजी में बहुत मैटर करती हैं कौन सी चीजें देखो ये सी आर वाई सी कैपिटल है ठीक है हाँ आगे गया सी कैपिटल है तो इसका जो जीन का होगा ना बच्चे तो इसका ये जीन है बिकॉज इसका जो सी है दिस इज स्मॉल इसका सी जो है वो कैपिटल है राइट right? सो so ये कहता है द जीन्स विच कोड फॉर बी टी टॉक्सिन और द क्राई प्रोटीनस ठीक है ना राइट टॉक्सिक प्रोटीन और ये कहाँ प्रेजेंट होता है खैर इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है बट आप पूरा लाइन लिखोगे कि इट इज प्रेजेंट इन मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ इट इज प्रेजेंट

सो दिस इज हाउ यू राइट ओके बहुत इजीजी क्वेश्चन आप देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ओके सो दिस वॉज द क्वेश्चन आर जीन सो आपने पहला पॉइंट लिखा और फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिख दिया एक नंबर आपको मिल गया चलिए द नेक्स्ट काइंड हाउ डू साइटोकाइन बैरियर्स प्रोवाइड इनट इम्यूनिटी इन ह्यूमन ये भी सीबीएसई टू थाउजेंड एटीन में क्वेश्चन आया है राइट right? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से इम्यूनिटी से राइट right?

हर कहीं याद रखे बताते हैं कि अरे हमारे पे वायरस का अटैक हुआ है हमारे वायरस पे अटैक होते इट टेंस द ऑल अदर सेल्स राइट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेर है यही तुम्हें यही लिखना है यहाँ पे प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड देन इट एक्टिवेट द होल अदर सेल्स ऑल्सो द इम्यून सिस्टम ऑल्सो ओके द वायरस अटैक इज देयर नाउ यू बी अवेयर ओके ट द अन इन्फेक्टेड सेल्स जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन कहानी नहीं लिखनी है कि साइट बैरियर क्या होते हैं कौन से होते हैं नॉट लाइक दैट ओके चलिए आगे चलते हैं अब हम मूव कर गए टू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नाउ हाउ मच यू हैव टू राइट फॉर टू मार्क्स का क्वेश्चन ठीक है एंड वट कार क्वेश्चन दे कैन पुट अप इन द फॉर टू मार्क्स राइट चलिए देखते हैं बच्चे तो देखिए ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अच्छ्योर ह्यूमन स्पर्म देखो आई विन कीपू नो टेलिंग यू की ये डायग्राम जो है अच्छे से कर लीजिए राइट सो मेच्योर ह्यूमन स्पर्म का सबको हम कितना कौन सी क्लास से आई थिंक एट्थ क्लास से बनाना शुरू करते हैं हम रिपोर्डक्शन आता है ना एटथ क्लास में से सोचो सच में है ना एंड आगे बोला है लेबल एनी थ्री पार्ट एंड राइट देर फंक्शन कहा आपको पूछा गया सीबीएससी टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया है टू मार्क्स में तो पहली बात तो डायग्राम अच्छे से बनाना है मैं आपकी जगह हूं तो करूं पहले तो मैं डायग्राम को अच्छे से डायग्राम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया पूरा हेड उसका पूरा नेक वो और वो टेल पूरा बना के आएंगे लेबलिंग ही नहीं करेंगे चलो जी कहा से नंबर मिलेंगे आपको फिर चित्रकारी के नंबर थोड़ी मिल रहे आप लेबल भी करिए लेबल भी करना उसको इतना है है। अगर मैं लेबल थ्री भी कोई वो नहीं है बट हाँ फंक्शन आप तीन पार्ट के लिखो राइट सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंटेड गाइस इस तरीके से आप लिखिए पहले तो आप इसका डायग्राम बनाइए बढ़िया सा ठीक है जिसमें बहुत कुछ दिखाया गया इसमें आप कोई भी तीन पिक कर लीजिए जैसे यहाँ पे Membrane, आप इसका हेड बता दीजिए नेक बता दीजिए पीस मिडिलोकॉन्ड्रिया बता दीजिए और ये टेल बता दीजिए राइट नाउ यू पिक अप थ्री मेन थिंग अभी प्लाजा है प्लाज्मा you know? yeah. you know, कितने एंजाइम्स होते हैं सो देयर जब वो एग को जाके पेनिट्रेट uh, करता है तो सो मेनी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम माइट्रोकॉन्ड्रिया

और प्रेजेंट कैसे करना है आपको एंड हाउ मच यू हैव टू राइट ओके तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में ठीक है ना यू जस्ट स्टिक टू इट आप इसको देखिए क्वेश्चंस को भी देखिए आपको बताया भी जा रहा है किस तरीके से और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ठीक है आपको खाली पढ़ना है ठीक है सो दैट यू डू अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ बी लिम्फोसाइड्स एंड टी लिम्फोसाइड्स

2019 में क्वेश्चन आया है ये अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं डिफ्रेंशियट वाले क्वेश्चन को हमेशा प्रेफर करती कि मैं उसको टैबुलर फॉर्म में लिखूं form, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ टैबुलर फॉर्म का मतलब है कि एक जगह में बी लिम्फोसाइड लिख दू एक जगह में टी लिम्फोसाइड लिख दूँ फिर मैं इसका आंसर लिखूँ ठीक है ना इस चीज का भी इंपॉर्टेंस होती है बिलीव मी मीवन आई वॉज एन एग्जामिनर आई वॉज अ बोर्ड एग्जामिनर मैंने आपको बताया है पहले आई वॉज अ बोर्ड एग्जामिनर तो हम लोगों को ये पॉइंट्स बोले जाते थे कि ध्यान में रखें तो मैं एक जगह बी सेल्स लिख दूंगी बेटा एक जगह में टी सेल्स लिख दूंगी राइट फिर इसका मैं आगे पॉइंट्स में बना के लिखूंगी कि ये कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करता है दो नंबर का है तो अच्छा चलो होता है कि मैडम दो नंबर कहां से लिखें तो पहले यही लिख दो कि कहां बनते हैं ये राइट वेरी वेरी इजी और दूसरा ये लिख दो कि क्या है इसका रोल क्या है देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क्स ठीक है अगर आपको नहीं आता है मानो उसका रोल के आपको दो पॉइंट नहीं आते इम्यून रिस्पॉन्स के डजेंट मैटर एटलीस्ट यू राइट फ्रॉम योर साइड दैट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर हाउ शी और ही वुड टेक इट राइट सो अगेन यू नो यू कैन प्ले स्मार्ट आ लिटल या सो दिस इज हाउ यू राइटेड गाइज बी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंटील इंफोसाइड्स हेल्प द बिल्फोसाइड्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज

फिर बी लिखूं फिर दूसरा लाइन लिख दूं आराम से दो नंबर मिल जाएंगे मुझे राइट सो दिस इज हाउ यू राइट द आंसर गाइस तो सोर्स ऑफ प्लांट पैपेवरस पैपेवर सोमिनिफेरम पॉपी प्लांट जिसको हम कहते हैं ठीक है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट और एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा हाँ

मैं आपको फिर बोल रही हूं दोबारा बोल रही हूं दैट क्वेश्चन इस तरीके के ही आएंगे और कई बार रिपीट भी हो सकते हैं सो so, कृपया ध्यान दीजिए ठीक है ध्यान दीजिए पे सब पे <coughs> चलें आगे चलें, यस गुड चलो चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट टू मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे आपका लिस्ट आई टू एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक अगेन सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया है बच्चे आपका ये तो नेक्स्ट है बच्चे आपका देखिए फोरेंसिक साइंस में यूज कर सकते हैं आपको पता ही है फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज कर किया जा सकता है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना उसका क्रिमिनल का पता लगाने के लिए डिटरमिन द पॉपुलेशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटीज एक स्पीशीज का डीएनए एन ले, ले लिया दूसरे का ले लिया उसको so कंपेयर करके देखा लाइक द वे हाँ बहुत मिलता है पता है ना कितने का डीएनओ हमारे डीएनए बहुत सिमिलरिटी दैट मींस वी रिसेंटली हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एनसेस्टर है ऐसे हम कॉमन एनसेस्टर सेवॉल्व किए हैं एनी वेज सो डेटा द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज बहुत सारे पेटर्निटी टेस्टिंग जैसे कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं पेटर्नल डिस्प्यूट है ना मेटर्नल डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको करने के लिए स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ठीक है तो सो मेनी यू यू कैन पिक एनी टू टू नीड नॉट राइट ऑल फोर ऑफ आपको चार लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप दो लिख के भी चल सकते हैं आगे ठीक है <coughs> तो ये तो हो गया बेटा टू मार्स क्वेश्चन नेक्स्ट टू मार्स क्वेश्चन बच्चे व्हाट इज जीन थे नेम द फर्स्ट क्लिनिकल केस इन

प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की जो मूवी है ना उसमें दिखा है ना उस लड़की को हो जाता है आ, ये सीवियर इम्यूनो सिंड्रोम जिसमें कि इम्यून सिस्टम का कौन सा जीन नहीं होता जिसमें एडीए जीन नहीं होता देखो ना गर्ल विद द विदीएडी नाइनटी में सबसे पहला केस मिला था ये ड्यू टू तो द डिलीशन ऑफ दिस जीन ठीक है सो एनी हाउ हम लोग अभी ये तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम लोग ये कर चुके हैं डिस्कस पहले तो वी आर डिस्कसिंग हाउ डू वी राइट द आंसर्स तो दो पार्ट में पूछा है तो पैराग्राफ में लिखो पहले एक जीन थेरेपी का लिख दिया कि है ना नॉन फंक्शनल या कोई आ, हमारा जो नॉर्मल अनहेल्दी जीन को वो करने के लिए और दूसरा हमने लिख दिया कि नेम द फर्स्ट क्लिनिकल केस उसका नाम लिख दिया हमने यहाँ पे गुड टू गो यस एवरीबडी हाँ ठीक है चलो आगे चलते हैं देन आगे थ्री मार्क्स के क्वेश्चन अब हम दो मार्क्स के क्वेश्चन से तीन मार्क्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं तो अब देखना कि कितना इसमें इंक्रीज होगा प्रेजेंटेशन में ओके एंड क्वेश्चन की फॉर्म में भी इंक्रीज होगा नाउ व्हाट से अब हाउ की तरफ जा रहे हैं हमने व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस नाउ हाउ हाउ दे आर आस्किंग द रीजनिंग फ्रॉम यू है ना तो आपको रीजन पुट अप करना पड़ेगा सो हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्मड इन ह्यूमन लाइक द प्रोसेस यू हैव टू टेल है ना सीबीएसई 2014 में फिर से बच्चे क्वेश्चन आया है ये अगला क्वेश्चन पूछता है नेम एनी टू हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाई इट एंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ नॉन प्रेगनेंट वुमेन कहने का मतलब समझो अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा भी होता है पता क्या होता है मैं बता हूँ दो तरह के बच्चे होते हैं पहले बच्चे क्वेश्चन पढ़ा समझा फिर आंसर दिया समझना चाहिए उसको दूसरी बार पढ़ लिया एक बच्चा पता क्या होता है उसको जल्दी होती है पता नहीं किस चीज़ की उसको भी नहीं पता मैंने बताया ना मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था मेरे को इतनी जल्दी थी बेटा कि आता था क्वेश्चन लेकिन क्या किया कुछ तो शफलिंग कर दी मुझे ध्यान से केस नहीं द ईयर का द मोमेंट आई स्टेप फ्रॉम द डोर द एग्जामिनेशन हॉल ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज होती है स्टेप आउट ऑफ द हॉल आई सॉ इट ही मैंने गलत कर दिया मैं उसी वक्त वापस पीछे आई लेकिन मुझे एग्जामिनेशन नहीं करने दिया एंड आई वोट ब्लेम हर ठीक है बिकॉज वो तब वो नहीं करती मैम वो तो मेरा ओवर ओवर कॉन्फिडेंस मेरा घमंड कैसे टूटता ठीक है ना धक्का लगा ना फिर उसके बाद कभी नहीं किया लाइफ में ऐसी गलती क्वेश्चन को दो बार पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना सो so, जब आता हो ना क्वेश्चन फिर छूट जाए ना या हम गलत करके आ जाए ना अपनी सिली सिलीनेस की वजह से फिर बहुत दुख हो जाता है करते हो ना नगरी मेरे साथ <laughs> जब नहीं आता तो फिर की फर्क पै रहा है नहीं आता था भाई ना ही किसी ने बताया दोस्त ने साथ छोड़ दिया था मेरा समझ रहे हो सो so, जब नहीं आता फिर दुख नहीं होता लेकिन आता है होता है दुख हो जाता है तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ी है तो उसको दो बार पढ़ लो नहीं मैंने टू हार्मोन विच आर सीटेड बाय इट एंड ऑल्सो रिलीज बाय द नॉन प्रेगनेंट सोचो इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि ऐसे दो हॉर्मोन जो प्लेसेंटा भी रिलीज करता है और जो कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी प्रेजेंट होते हैं तो आई आई थिंक हम सबको आता ही है क्वेश्चन ये बिकॉज हम लोगों ने इतना अच्छे से डिस्कस किया है इसको जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े थे ठीक है सो so, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन बता दीजिए बच्चे की क्या होता है डिस्क लाइक आपको पता ही है इन विच द फीटस ग्रोज हाउ इट इज कैसे वो मदर uh, के साथ अटैच रहता है एंडोमिट्रियम के साथ में तो वो लिखिए इम्प्लांटेशन प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट कोई भी हट सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस आई लिसनिंग सब लोग सुन रहे है? ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी कहा था आपको क्या करना है आपको एग्जामिनर की हेल्प करनी है ठीक है ना क्योंकि आप उसकी हेल्प करोगे तो वो आपकी भी हेल्प करेगा इट कैन साउंड थोड़ा सा वैसे बट आई एम टेलिंग यू यू नो जब हम लोग एग्जामिनर थे जब मैं बोर्ड के पेपर चेक किया करती थी तो हम लोगों को आता था, था कि सच बता रहे हो एक ऐसी कॉपी आई जिसमें ऐसी थ्योरी लिखी पड़ी जैसे ऐसे लिखी है तो ना ठीक है पहले दस पेपर हम बड़ा मन लगा के चेक करते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है बेटा ड्रेन हो जाता है ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर दैट नाउ व्हाट हैपेंस इज जिस बच्चे की कॉपी आई और उसने क्या किया भाई उसने भाई साहब इसको तो अंडरलाइन कर दिया है देखो ना मेरा कितना काम आसान कर दिया उसने ब्लास्टोस इसको अंडरलाइन के मन का अरे वाह वाह भाई तो इसको तो आता है ठीक है फिर उसने ट्रोफोब्लास्ट को भी अंडरलाइन इसको तो, इसको तो ये भी आता कि वो वाली होती है जो उसके साथ में रहती। फिर उसने क्या किया था और क्या है? और क्या करने वाला है। चलो ये को मतलब यू नो अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दो एग्जामिनर ने क्या किया ऐसे देखा खड़े होके ये सबसे अच्छे अच्छे जो पॉइंट लिखा है हाईलाइट किया अच्छा यार इसको तो नंबर दो कितने कितने नंबर का था तीन नंबर दे दो चलो भाई शायद दूसरा पड़ा भी नहीं नीचे वाला आई नो आई मतलब मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट यू नो इट हैपन इन समाइम राइट सो यू यू प्ले नॉट प्ले आई वोट से द प्ले वर्ड लाइक यू नो इफ़ यू नो द इफ यू नो द नॉलेज यू हैव द नॉलेज देन शो इसको शो केस करो थोड़ा सा ठीक है उसको अच्छे से प्रेजेंट करो अगर आप इतना नॉलेज लेके घूम रहे हैं इधर उधर यू नो देन आप प्रेजेंट नहीं अच्छे से कर रहे हैं देन नो बडी केयर्स बिकॉज यर नॉट प्रेजेंटिंग इन प्रॉपरली टू right? so, yeah, anyway. जो कौन कौन से एस्ट्रोजन और progesterone. ठीक है? आपने दूसरे का आपको तीन नंबर मिल गए, लो, right? चलिए आगे चलते हैं बच्चे तो ये तो हो गया हमारा अब का क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मॉर्फिन कोकेन एंड मेरिना राइट देखिए बच्चे ये सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये भी देखिए कि में भी एंड इसका आने का बहुत एक त, वो भी है रीज़न भी है यू नो राइट लाइक द यू ऑल आर एंड यू नो मतलब एक देश को बहुत चिंता होती है कि उसके युवा जो है उसका यूथ जो है वो प्रॉपरली यू you नो know, उसकी एनर्जी एनर्जी जो है प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज यू गाइज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री या सो एनी सो आपको क्या करना है बच्चे इसमें तीन मार्क्स हैं ये भी बहुत आसान है देखो

सो so, देखो बच्चे आप क्या करोगे तीन पॉइंट्स में लिखोगे मॉर्फिन इज ऑपटेन फ्रॉम दिस ठीक है ना ये क्या करता है इट इज असेंट सी एन एस डिप्रेसेंट कोकेन आपको पता ही है इट इट इज इज फ्रॉम कोका एंड अ स्टिमुलेंट है ना वो डिप्रेसेंट है ये स्टिमुलेंट है किसका स्टिमुलेंट का ये भी याद रखना है इज ऑपटेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द इनफ्लोरेजिबा आपको पता ही है ना जो भांग हम लोग बोलते हैं एंड ये भी हमारे तो आ, ये बेटा हो गया हमारा थ्री मार्क्स का क्वेश्चन देखो आपने तीन पॉइंट्स में इसको कर दिया राइट और इसको लिख के बता दिया ठीक है दिख ही रहा है है वैसे तो चलो कोई नहीं ठीक चले आगे चले सो दिस इज हाउ यू राइट इट दिसवन देन थ्री मार्क्स क्वेश्चन वंस अगेन एनी रिकॉम्बिनेंट विद जीन इज रिक्वायर्ड इन बिलियन कॉपीज फॉर कमर्शियल यूज हाउ इज द एम्प्लीफिकेशन डन एग्जैंपल सॉरी एक्सप्लेन ये आया बच्चे सी बी एस ई दो हजार दस में आया था आपको याद है मैंने यहां पे उसका बच्चे का एग्जाम्पल लिया एक था कि हमजा का एग्जाम्पल लिया एक था कि वो पुलिस मैन है वो गया उस पर क्राइम सीन पर उसने देखा उसको एक हेयर फॉलिकल मिला एंड उसको एम्पलीफाई किया तो पहले तो मुझे यही बता दो कि एनी रिकॉम्बिनेट डी एन एड डिजायर डी कैसे करेंगे भाई उसको हाउ इज एम्पलीफिकेशन डन बता दीजिए हाँ हमने बड़े अच्छे से टेक्निक पढ़ी है उसकी सो देखिए बच्चे आपको पता ही है पी सी आर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ठीक है उसको भी जैसे हमने बताया था ना कि विंडो पीरियड में भी जब तक कोई डिजीज कोई शो नहीं कर रही होती है सिम्टम तो उसमें भी हम इसको यूज कर लेते हैं एच के, वी केस में राइट एनी सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है अगेन इसमें तीन प्रोसेस है डी है पहले उसको डी करो डी की चेंज को अलग करो अनिल करो उसमें है तो ना प्राइमर्स लगाओ एक्सटेंशन विद हेल्प ऑफ टैक पॉलिम है ना पॉलीमरेज की हेल्प उसकी एक्सटेंशन कर दो सो दिस इज हाउ यू राइट इट ठीक है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये पूरा हो गया ओके अगेन टू थाउजेंड टेन में क्वेश्चन आया बच्चे इस इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है सो कुड बी द पॉसिबिलिटी नेक्स्ट थ्री में का क्वेश्चन है बच्चे वट इज बायो पायरेसी क्या है स्टेट द इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन पार्लियामेंट अगेंस्ट इट ठीक है वट इज जियक फुल फॉर्म तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है अगेन आपको एक एक नंबर में आपको पूरी कहानी तो नहीं लिखनी है चाहे आपको पूरी कहानी पता है कि इंडिया में ये था फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया वो किया नहीं यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट्स पॉइंट्स मेन तो देखें 2014 में क्वेश्चन आया बच्चे बायो पारेसी, बायो पारेसी बच्चे सॉरी अबाउट दैट सॉरी अबाउट दैट गाइड्स बच्चे हम बायो पायरेसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे बायो पायरेसी रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सिस हमें पता है मल्टी नेशनल कंपनीज से एंड अदर्स ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्राम द कंसर्न कंट्रीज आपको पता ही है इंडिया में तो ये बहुत हुआ है हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए और जो कि हमारे आयुर्वेद में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है कि हम लोग कब से है ना हल्दी और ये नीम यूज़ किए कर रहे थे लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी है ना अमेरिकन कंपनीज़ ने इसको यह किया था एनी एनी वेज इंडियन पार्लियामेंट हेज क्लेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल जिया स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी नहीं नहीं मेरे को तो जिया के बारे में और भी पता है मैं तो पूरा लिखूंगा या लिखूंगी नहीं फुल फॉर्म पूछा फुल फॉर्म लिख करके देखो फुल फॉर्म तक भी आ जाती है देख लो ऐसे ऐसे मत सोचना कि भाई तुम बड़े हो गया हमेशा से कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा ठीक है तो सी बी एस ई टू थाउजेंड फोर्टीन में क्वेश्चन आए हैं नंबर एक एक ठीक है अब तुमने ये सोचना कि एक नंबर में तो मैडम हम पहले में तो हम एक ही ला... वो लिख रहे थे लेकिन इसमें हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको बाहर से से देखो दिस इज डेफिनेशन 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 योर कुड आपकी कर सकती है बड़े से. है बड़े आराम ठीक ना आपकी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल वेरी कर सकती है ठीक है चले आगे यस yes? चलो बेचा तो ये तीन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट थ्री मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन ओवरी देखो हो आपने डायग्राम दूसरा आ गया पहले स्पर्म का डायग्राम आया था अभी ओवरी का डायग्राम आ गया ठीक है शो इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल्स राइट है ना वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल है ना कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन तो आपको मतलब पूरा ही दिखाना है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन भी दिखाना है है ना सेकेंडरी डरी का फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी दिखाना है तो आपकी आपकी एनसीआर में बहुत अच्छी सी डायग्राम है आपकी एनसीआर का ही डायग्राम है दिस इज हाउ यू शो इट आप डायग्राम बनाइए प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी यहाँ ग्राफियन और ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम रहा सिंपल एज दैट ठीक है टू थाउजेंड नाइनटीन में ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो तो इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है तो हो सकता है कि दोबारा

आर टी जो है ना हमारी हाँ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी uh, है हमारी उसमें से बहुत आया हुआ है तो कहता है एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन इट वन ऑफ द फॉलोइंग पहला खैर अमीनो सिंथेसिस पूछा हुआ है आई थिंक हम सबको पता लग गया है अभी तक ठीक है दूसरा लैक्टेशनल लैपटेशनलिया तीसरा जिफ्ट के बारे में पूछा हुआ है दूसरा इसका एक और पॉइंट है बच्चे प्रिपेयर अ पोस्टर फॉर द स्कूल प्रोग्राम डिपिक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम तो पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि होता क्या है ठीक है बड़ा सबको पता है।, पता है ना सबको ना कि क्या है ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर तभी तो पोस्टर बनाओगे उस पर ठीक है ना सो आपको पोस्टर बनाना ठीक है, है कलर वालर भी ले जाना जस्ट के डिंग अगर कलर से बनाने का टाइम मिल गया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं हो तो पेन से तो मत बनाना पेंसिल से ही बनाना कृपया पेंसिल से ही बनाएं तो अच्छे नंबर मिलेंगे तो चलिए बेटा देखते हैं क्या क्या पूछा था इसने वन एप्लीकेशन इचवल तो आपको पता है अमीनो सेंटेसिस क्या है बच्चे टू डिटेक्ट द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर सेक्स डिटर्मिनेशन जबकि लीगली बैंड है मैं कहूंगी तो ना ही लिखो तो ज्यादा ही बढ़िया लीगली बैंड है बिकॉज ठीक है डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर और कैरियोटाइपिंग ठीक है या तो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी करने के काम आती है कैरियोटाइपिंग ठीक है तो एक, कुछ भी आप लिख सकते हो आपकी मर्जी है नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट हाँ दूसरा क्या पूछा था आपको पता है प्रेगनेंसी मीन्स द नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन लिखा हुआ है यहां पे देखो मैं यहाँ देख ही नहीं रही हूँ चलो थर्ड है जिफ्ट क्या होता है तो आपको पता है जेड इन जी कुछ भी कह लो स्टैंड फॉर जाई ठीक है असिस्ट एंड इन फर्टाइल कपल इनफर्टाइल कपल को असिस्ट करने के लिए टू हैव चिल्ड्रन बाइ ट्रांसफरिंग द दाइगॉट है ना जय मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्या है इसमें जल्दी से बता दो फर्टिलाइजेशन अगर zygote, अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो हा फर्टिलाइजेशन वुड बी वुड बी इन विट्रो बाहर होगी गिफ्ट में होगी इन वीवो है ना गिफ्ट मतलब गैमीट को कर रहे हैं तो गैमीट की जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगी इन वीवो कहते हैं उसको अगर बॉडी से बाहर हो रही है तो उसको इन विट्रो कहते हैं राइट तो एनी वेगॉट और एम्ब्रियो एट द एट ब्लास्टोमियर स्टेज देखो बेचे ये क्वेश्चन ना नीट में भी आया था और देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है वैसे ये इसको नोट कर लेना इनफर्टाइल कपल टू तो हैव चिल्ड्रन कौन से स्टेज स्टेज पे एट ब्लास्टोमियर तो द फिलोपियन ट्यूब राइट ठीक है? ठीक है ठीक है तो इस तरीके से आपके पहले तीन तो हो गए मानो आपको तीन नंबर यहाँ पे मिल गए चलिए जी मिल गए तीन नंबर आपको पोस्टर आइडिया तो होने चाहिए ना तो खैर आप पढ़िए उसमें रिप्रोडक्टिव वो चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे आपकी आपकी एन बोलती है हम दो हमारे दो पल्स पोलियो दो बूट जिंदगी की ठीक है ये बी सी के अंडर आता है ना अपना टीन जरूरी नहीं कि टीनेज को ही कवर कर रहा है वो सारा चिल्ड्रन को भी कवर करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना स्टॉप एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स जेंडर सिलेक्शन एंड डिटेक्शन इज़ पनिशेबल कुछ भी बना सकते हैं आपका अपना आइडिया देखो ये तो मेरे आइडियाज़ हैं आई नो आप में से बहुत क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं यहाँ यहाँ पे हुँ? बहुत अच्छे बस बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज भी हैं तो आप यूज करिए बनाइए मैंने मैंने देखा बच्चे बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं ठीक है चलिए बच्चे आगे चलते हैं सो ये होगा पहला पाँच नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट पाँच नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास हाउ आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हेल्पफुल इन ह्यूमन देखो ये दोबारा है ना ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसी में से आएगा मोस्टली हाउ आर जिफ्ट एंड गिफ्ट डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर्स तो मैंने आपको पहले ही बोला है क्या बोला है अगर डिफरेंशिएट वे में क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि टेबल बना के लिखना है ना इजी है ना राइट ठीक है तो खैर देखो यहां पे एसएससी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप लिखोगे इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो बच्चे मैं बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप भी बोर हो जाओगे <laughs> मैं भी बोर हो जाऊंगी तो ये देखिए हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन दे इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिफ्ट मैंने आपको बोला करेंगे गिफ्ट में हम क्या करेंगे गैमीट को ट्रांसफर करेंगे जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और हमारा क्या है आईओ टी इज अ टेक्निक इन विच एम्ब्रियो ऑफ मोर देन एट ब्लास्ट आर ट्रांसफर्ड इन टू यूट्रस तो खैर आप जिफ्ट और गिफ्ट लिख के भी काम चला सकते हैं डज नॉट मैटर ठीक है ना राइट right, चलिए बच्चे तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन ये सी बी एस सी में आया था पिछला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से पांच नंबर का और आप ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल है ना उसमें किसी कितने क्वेश्चंस आते थे और दैट टू कॉन्सेप्चुअल इन ह्यूमन फीमेल्स हाउ कैन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द ह्यूमन फील हेल्प एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर तो आपको पता ही है ना वो पीरियोडिक एप्सिडेंस हमने लोग पढ़े पड़ा था टेन टू सेवनटीन डेज को अवॉइडिंग द क्वाइटर्स राइट सब कुछ पता पड़ा था ना वो टेबल बना के सारा कुछ नॉट टेबल हाँ मतलब ऐसे वो सर्कल सा बना के आई आई थिंक यू रिमेंबर दैट है ना अगर जिसको नहीं पता है वो जाके देख लू ह्यूमन रिप्रोडक्शन की उसमें से आपको मिल जाएगा ठीक है में. तो एक्सप्लेन ये देखिए बचे मैं फेज ऑबलेटरी फेज ल्यूटियल फेज आपने खाली नाम नहीं लिख के आ जाना है। आपने इसके बारे में लिखना भी है थोड़ा सा पांच नंबर में आया ना क्वेश्चन ये है।, है ना यस yes? देन दूसरा क्या है इसका हाउ कैन द साइंटिफिकेशन अकर मिड साइकिल मैंने लिख भी दिया यहाँ पर टेन टू सेवनटीन डेज आपको अच्छे से समझा भी दिया कि क्यों टेन टू सेवनटीन डेज होता है उसको फर्टाइल विंडो कहते हैं राइट right?

सो so एनीवेज जो लोग पहली बार देख रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा होगा तो जानने के लिए देखिए पिछले लेक्चर्स जो हमने स्प्रिंट सीरीज करी थी इसके एनीवेज तो बेटा ये पूछा क्या है इसने ये क्वेश्चन को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है मेंशन द एरिया लेबल्ड इन द वेक्टर रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द इंसर्टेड जीन ठीक है ना तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना नहीं समझ आया तो दूसरी बार पढ़ लेना ठीक है इसने क्या किया आपको लेबल करके दिया हुआ है और आपको ये बताना कि ऐसा पॉइंट यहाँ पे लेबल कौन, कौन सा है दिखाओ कि जो क्या कर रहा है बेटा मल्टीपल कॉपी नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है उसका मतलब प्रोडक्शन को ठीक है तो वो आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सिलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर शोन तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर भी दिए हुए आपको दिख ही रहे हैं सामने दिख रहे हैं ना सामने यहाँ पे क्या क्या है बताओ जल्दी बताओ जरा लिख के बताओ लिखे बता

नंबर तीसरा इसने पूछा था नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेक्सप्लेन रोल्टेबल मार्कर्स आपको पता ही है सिलेक्टेबल मार्कर्स बेटा क्या रोल प्ले करते हैं हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया स्प्रिंट सीरीज में क्या करता है ये ठीक है ना ये इंश्योर करता है कि क्या हमारा काम हुआ या नहीं हुआ हमने जो जीन डालने की कोशिश करी थी उसमें क्या वो चला गया या नहीं गया तो इट इंश्योर्स दैट तो आप उसमें जाके देख लीजिए बट दिस इज हाउ यू राइट इट ठीक है पांच नंबर क्वेश्चन में इतना आप लिखोगे चल जाएगा बहुत है राइट नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चे नेम द सोर्स फ्रॉम विच एक्सट्रैक्टेड अर्लियर।, अर्लियर मतलब पहले पहले किसमें से होता था लेकिन आप तो हमको पता ही है ना वो एली लिली कंपनी के आने के बाद हो गया है व्हाई दिस इंसुलिन इज नो मोर यूज नो मोर इन यूज बाय डायबिटिक पेशेंट्स पहले किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता तो पहला नंबर ये है नंबर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑफ सिंथेसिस इंसुलिन बाय कंपनी कंपनी आपको पता है है यूएस की ये कैसे बनाती है ये ठीक है ना तो जाहिर सी बात आपको पता है ये पहले किसमें पिग वगैरह का यूज किया जाता था ये है ना पिग वगैरह का इंसुलिन यूज किया जाता है पर देखो हम अपने हम अपने इम्यून सिस्टम के साथ ना ज्यादा दिन खेल नहीं सकते राइट तो हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इम्यून सिस्टम में पता लगा लिया कि भाई ये ह्यूमन्स का नहीं है ये कुछ तो गड़बड़ है ये पिग विग का यूज़ हो रहा है इसको हटाओ रिजेक्ट करो सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो पहले का आंसर तो होगा ये ठीक है तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया जा रहा है आप इसको अपने वे में भी यूज कर सकते हैं आप अपने इसको अपने वे में भी लिख सकते हैं राइट देन एक्सप्लेन द प्रोसेस सिंथिस इंसुलिन आपको एल कंपनी मैंने आपको बताया था वो ए बी चेन्स होते हैं उसने बनाई है नेम टेक्निक बाय दिस कंपनी आपने ये बताना है थर्ड हाउ इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द एबव मेंशनड कंपनी आपको ये भी बताना है ये दोनों आपस में से डिफरेंस कैसे है तो इसके लिए क्या होना चाहिए इसके लिए आपको चैप्टर का अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी होना चाहिए है ना ठीक है तो थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाना है सी 2011 में ये क्वेश्चन आया था तो पांच मिनट इसमें क्वेश्चन आ सकता है ये ठीक है बच्चे तो ये क्या कहते हैं कैसे लिखना है मैंने आपको बोल के भी बता दिया कि कैटल्स जो स्लॉटरिंग के लिए लेके जाते थे ना स्लॉटरिंग के लिए पिग्स या बाकी कैटल्स को है ना बीफ के लिए तो वहां से इसको इंसुलिन उनके पैंक्रिया को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था और इसमें से इंसुलिन निकाला जाता था एलर्जी इंसुलिन ऑप्टेन फ्रॉम दिस सोर्स कॉज सम एलर्जी और अदर रिएक्शन टू द दॉरन प्रोटीन तो अभी क्या हो गया हमारे इम्यून सिस्टम ने देख लिया भाई तो कुछ बाहर से है प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बाय बाय कंपनी डन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पता ही है ना ये तो सबको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से हमने किया था इसको राइट गाइस ठीक है तो इस तरीके से आप बना के बता भी सकते हैं कि कैसे ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन का कैसे है ये ठीक है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया जब हमने स्प्रिंट सीरीज किया था कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया इसको हम लोग यहाँ से लेके आते हैं ये बैक्टीरिया है ये ह्यूमन इंसुलिन है है ना इसको लेते हैं यहाँ पे इसका रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाते हैं फिर उसको फिर से उसमें ईकोलाई e. में जिस इज ईकोलाई इसको ईक्लाई e. में डाला फिर से फिर उसको चैम्बर में डाल दिया बायो रिएक्टर जिसको हम कहते हैं राइट फिर इसकी क्या करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये इंसुलिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन वी इसकी डाउन स्ट्रीमिंग करते हैं प्योरिफिकेशन करके ये तो ना ये तो आप स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो गया फिर फिर में बेच दिया। so, guys, है बेस्टेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू अब आपका क्या काम है आपने बेटा इसको पढ़ना है ये पी डी एफ भी आपको मिल जाएगा आपको ये भी पता चल गया कि कैसे लिखना है क्या करना है तो जल्दी से समराइज करते हैं क्या क्या करना है आपको पहली बात आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है मैंने बता दिया आपको कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है एक नंबर में दो नंबर में तीन में में ठीक है नंबर टू नंबर टू आपको क्या करना है कर सको तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना या तो हाईलाइटर ले जाओ पेपर में या तो पेन से ही अंडरलाइन कर दो अच्छा रहेगा कि अगर पेन वो डिफरेंट कलर का होगा तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं है तो सेम कलर से भी कर लेना नहीं है तो पेंसिल से ही कराना भाई ठीक है लेकिन कराना ठीक है डायग्राम्स की खाली चित्रकारी नहीं करके आनी है उसको अच्छे से लेबल भी करना लेबलिंग के ही नंबर होते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन बहुत सी घचपे होगा ना फिर जैसे एग्जाम में ठीक है ये कंफ्यूज था बच्चा इसको नहीं आता है बिलीव मी इट गिव दैट इम्प्रेशन ठीक है और अगर वो एक बार हुई तो चलो एग्जाम में भी समझता है अगर एक से दो बार होगी तो उसको पक्का विश्वास आया था यार ठीक है भाई बच्चा कन्फ्यूज है पेपर में बहुत ज्यादा राइट सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड स्टिक टू दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपने करके ही जाने मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन हमें छोड़ने बस इसको मतलब कर लो इसको अंदर कर लो पूरा ठीक है राइट तो दैट वॉज इट गाइज एंड इसका पी डी एफ आपको मिल जाएगा उसको पढ़ लीजिए एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक द क्रैश कोर्स गाइज तो एट थाउजेंड रुपीज में यू कैन यूज द कोड एम एस नीट यू कैन टेक इट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्रैश कोर्स के हाईलाइट्स हैं बच्चे ठीक है ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे टू वे इंटर कोर्स है आपका सब कुछ आपको मिलेगा सो इफ यू वॉन्ट टू एनरोल यू कैन यूज द कोड एम एस नीट ठीक है सो लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वंस अगेन ठीक है एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल गाइज डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब ओके एंड दिस इज अवर ऐप एंड इफ ए नॉट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस सो दिस इज द लिंक आप इसको यूज कीजिए और आप उसको कर सकते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ओके सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर हमने आज काफी कुछ सीखा बस इसको इम्प्लीमेंट कर देना ठीक है चलो बाय बाय लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू See you guys. See you. Bye bye. Bye. Keep studying. Up. Bye.